नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, बताइए उसे पहली खबर। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, तो देखना यह है कि बदायूं की जनता के मन में क्या है, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। जनता के मन को जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता बदायूं से, विजय राठौर। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में इस समय भूचाल आया है, उसको देखते हुए देखना यह भी जरूरी है शहरी क्षेत्र से बाहर निकल के कि ग्रामीण अंचल में लोगों की क्या समस्याएं हैं। नेता तो वादे करके आते हैं और चले जाते हैं, मगर जनता के लिए किस किस समस्याओं का सामना करता है वो 5 वर्ष कोई देखने वाला नहीं होता है। आज हम पहुंचे हैं दातागंज क्षेत्र के 117 विधानसभा दातागंज क्षेत्र, उसके ग्रामीण क्षेत्र में एक गाँव है। अगर बात इस गांव की करें तो दातागंज मियाऊ रोड पर बिरिया डांडी गांव पड़ता है, और इस गांव में मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, महिलाएं भी बहुत संख्या में हैं। और क्या 2022 जो चुनाव चल रहा है उसमें किसकी सरकार बनाएंगी और समस्या अब तक जो है उन्होंने क्या क्या झेली है? ठीक है, हमारे साथ कुछ पुरुष इधर हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे। बहन जी की सरकार बनेगी। क्या कोई बहन जी के ऐसे 4 कार्य बता दीजिए? बहन जी ने मेडिकल कॉलेज बनवाए और शिक्षा के लिए बहुत विकास किया है, और जब भी उनका शासन आता है तो उनका उत्तम शासन रहता है हमेशा। जब बहन जी का उनका शासन राज रहता है, तब वो जो है कानून का राज रहता है। अच्छा, 5 वर्ष बीत गए, यहाँ पर विधायक थे राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया, उनके कार्य क्या है, क्यों आप बहन जी को चुनना चाहते हो? 2017 में वो विधायक बन करके आए, 2022 में किसे रिपीट कर पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सरकार का सुपड़ा साफ हो गया, वो बताएं कैसे, क्योंकि जो सरकार इस बार जो सरकार आई है तो वो सिर्फ वादे करके आई है, जुमले करके आई है, झूठे वादे करके आई, कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। कोई वादा पूरा हुआ वो बताओ? शिक्षा पे कोई बात करने वाला है, ना चिकित्सा पे बात करेगा, ना ही भुखमरी पे बात करेगा, ना समाज में जो हो रहे हैं अत्याचार पे बात करेगा, ना बलात्कार हो रहे हैं उन पे बात करेगा। बात किस पे होगी? इन पे कोई बात नहीं करने वाला, और मीडिया वही दिखाती है जो लोग वो लोग चाहते हैं। जी बिल्कुल, 2022 में भैया किसकी सरकार ला रहे हैं? BSP की। अच्छा, क्यों? उनका कार्यकाल सबसे अच्छा रहता है। अच्छा, ना गुंडे बदमाश या तो यूपी के बाहर होंगे या जेल के अंदर। सबसे पहले शिक्षा की बात आती, जब भी कानून की बात आती, जब भी। अच्छा ठीक है, बहन जी की सरकार में कानून बहुत अच्छा चला, शिक्षा और स्वास्थ्य और चिकित्सा पे कोई देखने वाला नहीं है। जी भैया, किसकी सरकार ला रहे हैं? नहीं लाए हम, हम किसकी लाएंगे? हाथी की पार्टी की। हम पढ़े ही ना, हम नहीं जानते हाथी की पार्टी की। ऐसा क्या दिखा हाथी की पार्टी? हाथी की पार्टी में सबको बराबर सम्मान मिल चले आए, पढ़ाई लिखाई हमारे हाथी की पार्टी ने निभाई का भाव नहीं निभाई। यहाँ तो बब्बू भैया ने बहुत कार्य किए, हम कुछ कार्य नहीं किया। अच्छा भैया, आज जो है शहरी क्षेत्रों से निकल करके ग्रामीण अंचल में भी पहुंची है, और ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, पूरे देश की जो अधिकतर जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र से आती है, और गांव की जो जीवन है जिस तरह रुख कर देता है उधर सत्ताएं पलट देती है, सरकारें पलट देती है। आज हम बात कर रहे हैं दातागंज 117 विधानसभा से, और यहां से जानेंगे ग्राम पंचायत है आज बिरिया डांडी, और इस गांव के लोगों की क्या सोच है, 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं, और उस पर हम आज चर्चा करेंगे। भैया 2022 में आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? आप काहे भाग रहे हैं कैमरे से? आपका वोट बन गया? पहली बार वोटिंग करेंगे क्या? अच्छा, सपा की सरकार बना रहे हैं? सपा का तो बड़ा जलवा ही अलग है, बढ़िया। यूपी का जो है, यूपी का भाजपा का मंत्री सब काट लिया है, सब हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए हैं सपा में, वो 7 विधायक के लिए सब साथ लाए हैं और मंत्री 3 भी लाए हैं। क्या लगता है 7 विधायक से आप सरकार बना लेंगे? क्यों, जब 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 सपा में आ चुके हैं तो बहुत बहुत ज्यादा माहौल बदल चुका है। मगर आप एक चीज भूल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य तो आ गए हैं सपा में, उनकी बेटी तो अभी भाजपा से बनाई, वो उनसे मतलब नहीं है, वो सांसद है ना, बेटी का कोई रिश्ता नहीं है, वो उनके लिए उन्हें कुछ नहीं चलता। एक परिवार में 2 पार्टियां कोई मतलब नहीं है, एक परिवार में 2 पार्टियां, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए मंत्री पद से अपने। रात तो एक चैनल को इंटरव्यू दे रही थी संगमित्रा मौर्या, कह रही थी पिता का अपना जीवन है। क्यों अपना जीवन है? क्या वो बेटी नहीं है पिता की? बेटी नहीं है। आपको क्या लगता है सपा और भाजपा की लड़ाई में क्या
आप वोट कहाँ दे रहे हैं? बीजेपी, वो बीएसपी के लिए। अच्छा, बीएसपी को क्या लगता है बहन जी की सरकार बनेगी? अनुशासन उनकी सरकार में, अनुशासन हिंसा करने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या लगता है आपको? हमको लगता है ये कि मतलब बीएसपी की गवर्नमेंट बने और किसी की गवर्नमेंट नहीं। आप वोट किधर दे रहे हैं? हम बीएसपी के वोट। बहुत बढ़िया, आप भैया बहुत देर से देख रहे हैं। बोल देना। अरे हम तो बी एस पी दे रहे हैं हाथी वाली पार्टी को। अरे बेकार, हम बहुत परेशान हैं। गाय रखा था, दिन में बंदर रखा था। सरकार की कोई कमी नहीं है, सरकार ने तो गौशाला आपको बनवाई। तो कहाँ गाय, गौशाला कौन रखता है? आपके अधिकारी गौशाला में भूखी मर जाती है। गौशाला ने हत्याशाला बनवाई, हत्याशाला बनी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। योगी ने हत्याशाला बनवाई गौशाला की बजाय। गाय मर रही है, गाय मर रही है, गाय मर रही है, गाय मर रही है। आपके आस पास गौशाला है? गाय राज भगाना है, गाय से लोग परेशान है। किसान खेत क्या बना हो रहा है? भाजपा को सत्ता से हटाना, दूसरी सरकार को लाना, चाहे कोई भी आ जाए चलेगी, लेकिन भाजपा सरकार नहीं चलेगी। ऐसा क्या किया है भाजपा ने? ऐसा क्या किया? केवल झूठे वादे करके आई है, सिर्फ सत्ता हटाने के लिए झूठे वादे किए हैं। कौन कौन से झूठे वादे किए? 15 लाख खाते में आया, जो 4 करोड़ रोजगार मिल रहा था वो रोजगार किसी को मिला? जीएसटी से किसका फायदा हुआ? काला धन वापस आया? और जो हो रहा है, जितनी नौकरियां दे रहे हैं वो नौकरियां कहाँ गई? विकास की बात करें, विकास की बात करें तो विकास इतना हो रहा है कि भैया यहाँ तक विकास हो गया, यहाँ से विकास छोड़ के कोलकाता में भी बनवा के आ रहे हैं, अपने अमेरिका में भी जा रहे हैं वो विकास करवाने के लिए, यहाँ का विकास फुल हो गया है। अच्छा, बहन जी का शासन आ जाता है तो ऐसे कौन कौन से अच्छे विकास होंगे यहाँ पर? जो विधायक बहन भाजपा बीएसपी से यहाँ पर जो है घोषित प्रत्याशी रचित गुप्ता है, अगर आप वहाँ उनको विधायक बना के ले आते हैं तो किसे, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो है? ऐसे बहुत जो 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 भी महत्वपूर्ण कार्य होंगे समाज के लिए, जनता के लिए, जो उचित कार्य होंगे वो कार्य करवाने की मांग करेंगे हम उनसे। ये तो आप भाजपा में नहीं कर सकते थे? नहीं, भाजपा से कर रहे हैं, लेकिन कहाँ हुआ है? 7 साल से देख रहे हैं, 7 साल से देख रहे हैं ना, 2 साल रख रहे हैं, मांग रख रहे हैं, मांग तो कहाँ पूरी हो रही है? सुनने वाला नहीं है, सुनने वाला कोई है नहीं। उन्होंने भी कह दिया विधायक बनते ही चीनी मिल बनवाएंगे यहाँ दाता। बिल्कुल बिल्कुल सही, कम से कम 5,000 लोगों के लिए रोजगार दिया जाएगा उन्होंने कहा है, और गारंटी से बनेगा। जी बिल्कुल, अगर यहाँ के ग्राम पंचायत बिरिया डांडी के लोगों की आवाज दी जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार आई तो सिर्फ जुमले और वादे करके आई। भारतीय जुमला पार्टी नाम रख देना चाहिए उसका, जो भैया ये कह रहे हैं क्या नाम रख देना उसका? भाजपा का नाम बदल के भारतीय जुमला पार्टी रख देना चाहिए। और इस समय जो जो छोड़ रहे हैं ना लोग, तो इसके हिसाब से तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है, पार्टी जो है उसका छोड़ो पार्टी जो बोलते हैं इसको, कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ो आंदोलन कर देना चाहिए इसका नाम। सब पार्टी छोड़ रहे हैं ना इसलिए, क्योंकि दिन पे दिन देख तो एक दो विकट गिरता जा रहा है, कोई मंत्री कोई विधायक इस्तीफा लेता जा रहा है, तैयार हो रहे हैं सब। जी बिल्कुल, ये थे ग्राम पंचायत बिरिया डांडी के लोग, कहीं ना कहीं ये वर्तमान सरकार से रुष्ट हैं। इनको देखते हुए गांव में अभी तक जो कागजों में कार्य हुआ वो ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुँचा है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ विजय राठौर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वहीं जौनपुर में शॉर्ट सर्किट से पेंट की दुकान में आग लग गई, जिसके चलते लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं स्थानीय लोग व दमकल विभाग की टीम की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। जाफराबाद थाना क्षेत्र से जगदीशपुर क्रॉसिंग के पास का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जौनपुर की तस्वीरें हैं जहाँ एक पेंट की दुकान में आग लग गई। ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है ऐसा बताया जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोग और दमकल विभाग की टीम के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग कितनी भीषण थी ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं, शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी ऐसा बताया गया। स्थानीय लोग और दमकल विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आगरा की थाना इरादतन नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खेड़िया पर्वती नदी राजस्थान बॉर्डर के पास से पुलिस ने जमीन के अंदर गड़े हुए शराब के लहन को बरामद किया। लहन जो लगभग 5 ड्रम के अंदर 770 लीटर करीब थी,
इसको पुलिस ने नष्ट किया है। जानकारी देते हुए बताया गया कि चुनाव से पहले शराब तस्कर पार्वती नदी राजस्थान बॉर्डर पर ये नकली शराब बना रहे थे। फिलहाल पुलिस बड़ी मात्रा में नकली शराब बनाने वालों की बना रहे थे जो लोग उनकी तलाश कर रही है। तो आगरा की तस्वीरें हैं जहां पुलिस ने बड़ी मात्रा में लहन को नष्ट किया है। ये नकली शराब थी जिसको चुनाव में उपयोग लाने के लिए पुलिस ने ऐसा बताया है कि संभावित रूप से चुनाव में इसकी उपयोग किया जाता है, इसलिए नकली शराब बनाई जा रही थी, इसका पुलिस ने भंडाफोड़ किया। फिलहाल पुलिस अब इन शराब बनाने वालों की तलाश में जुट गई है। खबर औरैया से है, यहां कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता नजर आ रही है, जहां 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगवाने वालों की होड़ लगी है। प्रतिदिन बिधुना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 850 से ऊपर युवाओं को डोज लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से कोविड की तीसरी लहर में युवाओं के लिए सरकार द्वारा वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। वहीं युवाओं को तीसरी लहर से बचने के लिए खुद ही जागरूक होकर वैक्सीनेशन कराया जा रहा। कोविड की तीसरी लहर में लोग खुद ही आगे बढ़कर आ रहे हैं, जबकि तीसरी लहर को लेकर सबको सैनिटाइजर, हाथ साबुन से धोए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सभी तरह की सावधानियां बरतने की हिदायत डॉक्टरों द्वारा लगातार दी जा रही है। तो औरैया से ये अच्छी खबर आ रही है कि औरैया में लोग वैक्सीन लगाने को लेकर खुद जागरूक हैं और खुद बड़ी संख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच रहे हैं। जो है कल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो है 842 लोगों का जो है हम लोग 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण कराया था, और जो है आज जो 15 जनवरी 2022 में अब तक की जो रिपोर्ट आई है 12 बजे तक की, हमारे पास जो है 800 के ऊपर जो है 15 से 18 के बच्चों का जो है वैक्सीनेशन हो चुका है, और बराबर देखा जा रहा है कि जो है बच्चों में जागरूकता मिल रही है, और जो है अस्पताल में भीड़ भी लगना चालू हो गई है और बच्चे जो है वैक्सीनेट करा रहे हैं अपने आप को। सर बचाव के किस तरीके से आप बताएंगे नियम? बचाव के देखिए तीसरी लहर को देखते हुए जो है कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, और पब्लिक से जो है बराबर जो है अनुरोध किया जा रहा है कि आप जो है दूरी बनाकर रखें, मास्क का उपयोग करें, बार बार साबुन से सैनिटाइजर से हाथ धुलें। खबर उधम सिंह नगर से, यहाँ सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात महिला चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव मिली है, इससे हड़कंप मच गया। क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व एक निजी विद्यालय के 55 विद्यार्थी संक्रमित मिले थे। क्षेत्र में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इस बार संक्रमण की चपेट में नाबालिग बच्चे भी आ रहे हैं। हालांकि संक्रमण से ग्रसित लोगों को किसी गंभीर समस्या की दिक्कत नहीं है, इससे कुछ हद तक राहत महसूस की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग संक्रमण को लेकर सतर्क है, प्रशासन भी आमजन से संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक करने में लगा हुआ है। डॉक्टर राजेश आर्य ने बताया कि CHC में तैनात महिला चिकित्सक पॉजिटिव मिली है। महिला चिकित्सक जो कोरोना संक्रमित मिली है वो फिलहाल आइसोलेट हो चुकी है। क्षेत्र में सरकड़ा बॉर्डर है, मोबाइल टीम है, और अपने जो हॉस्पिटल है यहाँ भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, सैंपल लेते हैं जिनमें संभावित लक्षण होते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक महिला चिकित्सा अधिकारी भी रैपिड एंटीजन में संक्रमित पाई गई है पॉजिटिव। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब Bharat@9 में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट Bharat@9 पर। देखिए Bharat@9 कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली,
चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे इनसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते हैं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया। तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड, तिलक चावला के साथ, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी में बात करता हूँ। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा, सांसद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है, जवाब दीजिएगा। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है। हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है। यहाँ चुनाव से पहले हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल विकासपुर कॉलोनी से पुलिस ने 4,37,00,000 की पुरानी रकम के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि जो रकम पकड़ी गई उसमें पुरानी रकम है। ये जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड की एसटीएफ टीम को देर रात सूचना मिली थी कि हरिद्वार में पुरानी करेंसी बदलने को लेकर एक टिप मिली है। टिप मिलते ही एसटीएफ की टीम ने एक जाल बिछाया और 4,37,00,000 रुपए के साथ 7 आरोपियों को मौके से पकड़ लिया। बरामद सभी नोट पुराने हैं, मसलन जो पुराने नोट चलते थे 500 और 1,000 के, ये वो नोट हैं। और बताया जा रहा है कि नोट बदलने के एवज में ये सभी आरोपी कमीशन लेने जा रहे थे। एसटीएफ के द्वारा पूर्व में प्रचलित नोट पकड़े गए हैं जो लगभग 4,47,00,000 रुपए हैं। इसमें 500 और 1,000 के पुराने नोट हैं और इस मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें 4 यूपी के हैं, 2 अमरोहा के, 2 मुरादाबाद के, 2 देहरादून के हैं और 1 हरिद्वार का है। क्या क्या कर रहे थे नोट का, क्या करने जा रहे थे? अभी इनसे पूछताछ चल रही है कि नोट कहां से लेके आए थे और इनका मोटिव क्या था, ये क्या करना चाहते थे, और फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है। गिरफ्तारी कहां से हुई है सर? ये विकासपुर कॉलोनी से के पास से इनकी गिरफ्तारी की गई एसटीएफ के द्वारा। सर चुनाव से जुड़ा हुआ अभी चुनाव क्योंकि चुनाव हुई है, इतनी बड़ी रकम है। देखिए इसकी सूचना इनकम टैक्स और अन्य डिपार्टमेंट को भी इसकी सूचना दी जा चुकी है। क्या सर चुनाव में उपयोग होने के लिए क्या इस करेंसी इस तरह की चीज़ें तो नहीं है कि उपयोग करनी रही हो इसमें? नहीं, इसको चुनाव में तो उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि लगभग 5 साल पहले इस करेंसी को बंद किया चुका है और सबको मालूम है कि इस करेंसी का कोई उपयोग नहीं है। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में हरिद्वार कोतवाली में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पहली गिरफ्तारी जितेंद्र नारायण उर्फ वसीम रिजवी की हुई। वसीम रिजवी की गिरफ्तारी नारसन बॉर्डर से की गई थी। उसके बाद हरिद्वार कोतवाली लाया गया और आज देर रात दूसरी गिरफ्तारी महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद की हुई है। जितेंद्र त्यागी की रिहाई की मांग को लेकर सर्वानंद घाट पर बैठे यति नरसिंहानंद गिरी को हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरिद्वार कोतवाली पहुंचे साधु संतों ने इकट्ठा होकर वहां पर आक्रोश व्यक्त किया है और वो आक्रोश अभी भी साधु संत इकट्ठा होकर वहां व्यक्त कर रहे हैं। एक कोतवाली में जो मुकदमा था उस मुकदमे के अकॉर्डिंग वो अभियुक्त थे,
तो उनको आज गिरफ्तार किया गया है। किनको किया गया है? ये जो यति नरसिम्हानंद है उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि उन पे दो तीन मुकदमे चल रहे थे तो लगातार ऑफेंस उनका रिपीट हो रहा था, तो इस आधार पे अभी के लिए इतना। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा मैंने आपको बता दिया मुकदमा जो है, तीसरा मुकदमा जो था जिसमें एक महिलाओं के खिलाफ कुछ टिप्पणी थी, उस आधार पे उनकी अरेस्टिंग हुई। यति नरसिम्हानंद जी हमारे नायक हैं, लेकिन ये अच्छा है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर दिया है और हम लोग ये सत्याग्रह जारी रखेंगे। सत्याग्रह चलता रहेगा, नियमों का पालन भी करेंगे। हम नियमों का पालन शुरू से करते आ रहे हैं, नियमों का पालन पहले भी कर रहे थे, नियमों का पालन अभी भी करते रहेंगे, क्योंकि सत्याग्रह चलता रहेगा। जिस प्रकार से सरकार ने हिंदू विरोधी और संत विरोधी अपना चेहरा दिखाया है, और यह चुनाव आयोग का बहाना है, तमाम बड़ी शक्तियां इसमें लग गई हैं जो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही हैं। उनको लग रहा है कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए। दुकान बंद होने के खतरे वाले लोग सामने आ गए हैं। हमने मोर्चा खोला मुख्यमंत्री का, हमारा नायक गिरफ्तार हो गया, लेकिन यहाँ सब नायक हैं। नायक हमने 21 बना रखे हैं, उसमें कोई पीछे हटने वाला नहीं है। गिरफ्तारी का हम विरोध करते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है कि गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अभी जिस अपराध में उन्होंने गिरफ्तार किया। बीजेपी ने मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक रितेश गुप्ता को टिकट दिया है। टिकट के ऐलान के बाद मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश गुप्ता ने अपने शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करते हुए अग्रिम चुनाव में भारी मतों से जीत का भरोसा देते हुए इलेक्शन को पूरी ताकत से लड़ने का ऐलान किया और अपने पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश एवं केंद्र के नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने पुनः मेरे ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है और मुरादाबाद की नगर सीट से मेरे को पुनः प्रत्याशी बनाया है। मैं मुरादाबाद की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मेरे को उनके बीच में भेजा है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जीत पिछली जीत से भी बड़ी जीत होगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।